राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बैतूल पुलिस ने नवाचार करते हुए अभ्या स्क्वाड की शुरुआत की है। स्क्वाड में थाना स्तर पर चार लड़कियों को चुना गया है जो कि महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं से संपर्क करेंगी और पुलिस को सूचना देंगी, मदद करेंगी। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस, एसपी सिमाला प्रसाद और एएसपी श्रद्धा जोशी ने पुलिस ग्राउंड से करीब 3 दर्जन अभ्या स्क्वाड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस की इस पहल का मकसद महिलाओं को तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराना है। अभ्या स्क्वाड के लिए कंट्रोल रूम में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके साथ ही ड्रेस कोड और वाहन में ईंधन की व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई है। यह दल सुबह, दोपहर और शाम को ज्यादा अलर्ट रहेगा। यह वक्त महिलाओं और युवतियों के स्कूल, कॉलेज, कार्यालय आने जाने का होता है। सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप पर कि मैं एक पूरी पुलिस फोर्स के साथ काम करने वाली हूँ। और बाकी सभी से, बैतूल की हो या बैतूल की बाहर की जितनी भी लड़की हो, सबसे मैं हमें रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मैं आपको कहीं दिख रही हूँ या हमारी स्पॉट की कोई भी लड़की आपको कहीं दिखती है, तो आप आए उनके पास, अपनी सारी समस्या बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कॉलेज में क्या प्रॉब्लम हो रही है, रोड पे हो रही है, आपको कहीं पे भी आते जाते वक्त कोई भी दिक्कतें होती है, तो आप जाके हमसे शेयर करें। और आप में और ज्यादा आप लीडर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जाके डायरेक्ट थाने में भी बात कर सकते हैं। बाकी हम लोग आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, आप हमें कॉन्टेक्ट करें और हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभ्या का जैसा क्या शाब्दिक अर्थ है कि बिना किसी भय के, और इसका हमने फुल फॉर्म रखा है कि अविरल भयमुक्त यात्रा। मतलब जब भी आप घर से बाहर निकलें तो किसी प्रकार का मन में भय ना हो, किसी प्रकार का संकोच ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो, आप हमेशा किसी ना किसी का साथ ना ढूंढें कि घर का कोई पुरुष, चाहे वो पिता हो या भाई हो, साथ में जाए जब भी आप घर से बाहर निकलें। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए ये अभ्यास कोड हमने रखा है। रायपुर में एक युवक को चाकू